आइंदा एमएलए 5 साल आप लोगों का कौन रहेगा, इस बात का फैसला मालेगांव शहर की आवाम को करना है। आज जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है, मदनी नगर, जमूर नगर, जमूर कॉलोनी, इस्लामिया कॉलोनी, गांधीनगर, तलवी नगर, इस इलाके के आवाम को ये बात पता है और मालेगांव शहर भी ये बात जानता है कि मदनी नगर की आवाम शेख रशीद साहब को कितना प्यार करती है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1999 का जो इलेक्शन हुआ था और शेख रशीद साहब जब पहली मर्तबा एमएलए बने थे तो मालेगांव में सबसे ज्यादा वोट अगर कोई पेटी पर शेख रशीद साहब को मिली थी तो वो मदनी नगर की। सबसे ज्यादा वोट मिली थी और शेख रशीद साहब ने आप लोगों को उसका बदला ये दिया कि मदनी नगर के अंदर पाइपलाइन नहीं थी। सबसे पहले शेख रशीद साहब ने आप लोगों को पानी पहुंचाने का काम पाइपलाइन के जरिए अपने एमएलए फंड से शेख रशीद साहब ने करके दिया। आज से 4 साल 3 साल पहले मदनी नगर के रहने वाले बहुत कसम थे, घबराए थे कि कोई भी जमीन वाला आता और वहां से टेप लगाता डायरेक्ट मदनी नगर के पास, बोलता ये उखड़ने वाला है, बराबर है ना। कभी कोई दूसरा मालक आता वो यहां से टेप लगाता वो वहां लेके चले जाता, बोले मदनी नगर की जगह हमारी है। इन्हें रोजाना तुम्हारे पीछे कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। मैं मदनी नगर के रहने वालों से, तलवी नगर के रहने वालों से या इस एतराब के रहने वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप आज पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हो, अगर आप आज इत्मीनान से रह रहे हो, अगर आज आप तो कोई फिक्र नहीं है, कोई आपसे दादागिरी नहीं कर सकता, आपकी कोई बस्ती पर नजर उठाकर नहीं देख सकता, तो उसकी वजह क्या है यह आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ इसकी वजह यह है, यहां कोई किसी का भी पार्टी का झंडा लगा ले, कोई दूसरी पार्टी के जय जयकार करे, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारे गरीब भाइयों की बस्ती पर अगर कोई नजर उठाकर नहीं देखता तो आप लोगों के ऊपर अगर किसी की सरपरस्ती हासिल है तो शेख रशीद साहब और शेख आसिफ की सरपरस्ती है। आज मैं दावा से बोलना चाहता हूं, आज आप लोगों को कोई लोग आएंगे जज्बाती बात करेंगे, क्या संबंधित कनेक्शन है, अगर आज जज्बात में आ गए तो आप उनके स्टेज के ऊपर देखना, सब जमीन माफिया लोग आपको नजर आएंगे। आज जाकर देख लेना, राजानगर की बस्ती खरीदने वाला भी उन्हीं का पार्टी का मेंबर है। आज इस साइड फ्री रोड के ऊपर जितने जमीन माफिया आपको हसनपुरे के आसपास नजर आए गए उन्हीं के स्टेज के ऊपर है।
आज आप लोगों के बीच में कुछ लोग आएंगे, ये बोलेंगे कि जज्बाती सियासत का नारा देकर, मजहबी नारा देकर आप वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने शहर की आवाम ने अगर कोई गलती कर ली तो फिर आप लोगों को पछताना पड़ेगा। मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, मैं आज आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, यह इलेक्शन अगर आप लोगों ने मुझको बचाया इस इलेक्शन में तो आप शहर बचाने के लिए काम करोगे, शहर को बचाओगे। अगर आप लोगों ने इस शहर के आवाम में मुझको गिराने का काम करा तो यह शहर हार जाएगा। अगर इस शहर ने मुझको हराया तो यह शहर हारेगा, शेख आसिफ नहीं हारेगा। अगर आपने मुझको जिताया तो आप जीतने वाले हो, शहर जीतने वाला है। और इसके लिए बात बोल रहा हूं, बात करते मेरी बहुत गहराई है, सोचो, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। ये मुसलमानों के हालात इस मुल्क में, इस रियासत में बराबर नहीं है। आज मैं देख रहा हूं मेरे गरीब भाइयों को क्या एनआरसी के नाम पर इतने डरे हुए हैं, कोई किसी का आधार कार्ड, किसी का दाखिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं यकीन के साथ बोलता हूं, अगर इस शहर ने गलती कर ली, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आ गई और एनआरसी लागू हो गया तो मैं दावे के साथ बोलता हूं मदनी नगर का एक शख्स भी नयापुरे की 14 नंबर गली में जाकर बोल नहीं सकता कि मेरा दाखिला बना कर दो, आपको नहीं पहचाना जाएगा। लेकिन आप हजार खोली के अंदर आएंगे तो मैं जरूर आप लोगों को पहचानूंगा कि मदनी नगर जो मेरे वालिद से मोहब्बत करता, मुझसे मोहब्बत करता, आप वहां के रहने वाले हैं, आप बैठो पानी पियो, मैं आपका आधार कार्ड बना कर दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जाके मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कल मेरा चैलेंज है कि आप बोलो मैं मदनी नगर से आया हूं, मेरा आधार कार्ड बना दो, मुझे आपका लेटर लगेगा। उनका जवाब क्या होगा जाकर पूछ लो। आपको फर्क समझना पड़ेगा कि आपके आपसे मोहब्बत करने वाले कौन और आपसे नहीं मोहब्बत करने वाले कौन है, इसका फर्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज आप लोग देखिए कि मुझको हराने के लिए, मेरी बात को गौर से सुनिए, आज मुझको हराने के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल उनके कार्पोरेटर 20 तीनों सीता के खानवादा, उनके 7 कार्पोरेटर, उनके 3 बाप बेटे बच्चे 4 एक स्टेज पे, जनता दल उनके 7 कार्पोरेटर, उनके निहाल अहमद साहब के दामाद लड़की सब, अब कुछ कम बढ़ गए थे, 2 मवेशी साहब को बुलाए बुलाए ना। और हमारे स्टेज पे कौन, शेख रशीद साहब और मैं, कौन है मुझे बताओ। 2 बच्चा को है, कल हमारा प्रचार रात में खत्म हो जाएगा। अगर हमने इन लोगों का मुकाबला किया इस इलेक्शन के अंदर तो सिर्फ आपकी ताकत के बदौलत हमने इनका मुकाबला कर लिया। कांग्रेस का कोई लीडर आया क्या, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं। क्या हमने बाहर से किसी को बुलाया, नहीं बुलाया, न तो ये हैदराबाद के बोले कोई 10 लोग आए, कोई एमएलए है, कोई मेयर बोल रहा, सब यही पड़े रहे, बढ़ावा डाल दिए। यकीन जानो आप तारीख लिखोगे, तारीख आप ये शहर की तारीख लिखने का काम करोगे। 21 तारीख को अगर आपने ठान लिया, ये तीनों बच्चों को उठा, तारीख लिख दो, मैं नौजवानों से कहूंगा
यही हुआ कि सब पार्टी के लोग एक स्टेज पर, और आपका भाई अकेला, जंगल में शेर अकेला हूँ और ये सब मेरा मुकाबला कर रहे। अब आपको मुझको बचाना है या हराना है, फैसला आपको करना है। इतिहास लिख दो, क्या करना है ये बता दो। हमारी आवाज हैदराबाद तक, ये बता दो हैदराबाद तक कि तुम हैदराबाद तक ही रहो, ये मालेगांव वालों से टक्कर मत लो। हम खुद्दार लोग हैं ये बताना है, हम इज्जतदार लोग हैं ये बताना है। ये शहर के अंदर आप ये बता दो, इस महाराष्ट्र को पैगाम पहुंचा दो, ये 5 साल हमने जिस एमएलए को चुन कर दिया उसने काम किया, हमारी आवाज बनकर काम किया, और दोबारा हम उसको ही भेजना चाहते, यह आप लोगों को बताना होगा। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यह आप वोट देने से पहले अपने बच्चों के तरफ, इनका चेहरा देखकर, इनके तरफ देखकर निकलना घरों से। कहीं आप जो फैसला करने के लिए जा रहे हो वो सही फैसला है या गलत है, एक टाइम देख लेना, एक टाइम, और तसव्वुर करना, ये सोचना कि ये बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, ये बच्चे हमारे, हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारे मरने के बाद हमारा परिवार संभालने वाले बच्चे हैं, उनके तरफ जरा देख लेना। और इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर इस शहर के अंदर एमआईएम आई तो आप अकेले खेड़े पाले पर नहीं जा सकते, आप धंधे के लिए नहीं जा सकते, फिरका परस्ती बढ़ जाएगी। कम से कम इनके तरफ देखना कि हम क्या फैसला करने जा रहे हैं। आप किसने धंधे के लिए खेड़े पर जाते, इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इन बच्चों को तालीम मिल जाए, बच्चियों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए। अगर आप एक दिन काम पर नहीं जाओगे तो आपका चूल्हा नहीं जलेगा, मुझे पता है। हम चूल्हा जलाने वाले हैं, चूल्हा बुझाने वाले लोग नहीं है। और ये जो लोग आए जज्बाती नारा लेकर, ये लोग आपके चूल्हे को बंद करने के लिए आए हैं। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, आज आपसे अपील कर रहा हूं, बड़ी गुजारिश कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये शहर को बचा लो। इन बच्चों के मुस्तकबिल आपके हाथ में है, इस शहर को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और अभी 3 दिन बचे हैं, और इस 3 दिन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे,
लेकिन आपको ठाम मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़े रहना है। बहुत लोग भड़काने आएंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरी बात लिख लो, आपसे बोल रहा हूं, ये आखिरी जलसे के अंदर नहीं रोए और अगर रुमाल लगा के नहीं बैठ गए तो बात ही क्या। लिख लो मेरी बात, ये रोएंगे और ये हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आप इनकी हमदर्दी हासिल करेंगे, इनके झांसे में आप लोगों को नहीं आना है। मैं भी रो सकता हूं लेकिन मैं रो रहा हूं। सिर्फ आपके भरोसे, आपने जो ताकत, जो हौसला, जो काम करने का हौसला दिया, उस बिना के ऊपर बोल रहा हूं मैं। अब उल्टा हो गया, 9 में और 14 में हमको वर्करों को फोन करना पड़ता था कि सबको लेके आना, अब किसको बोलना नहीं पड़ता, अब तुम खुद आ रहे। आपके अंदर बेजारी आ गई, अब उल्टा हो गया, अब वहां बोलना पड़ता, हजार खुली में आ जाओ, जलसा है, ऐसा ही हुआ कल। ये आप लोगों को ये इलेक्शन की अहमियत समझते हुए फैसला करना है। यकीन जानो एनआरसी लगेगा, कोराम मचाएगा शहर, और इसका फैसला आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वक्त 3 दिन का बचा है, मैं खासतौर से हमारे भाइयों से, हमारे वर्करों से कहना चाहूंगा कि 3 दिन आपके लिए बहुत अहमियत के है। आप लोगों को घर घर स्लिप पहुंचाना है, आप लोगों को घर घर पॉम्पलेट पहुंचाना है, जहां स्लिप नहीं पहुंची वहां पर कोई दूसरी तरफ रहने के वहां पहुंचाना है, स्लिप बटने के पास कुछ स्लिप बच जाए तो यहां टेबल लगा दो, ऐलान करा दो कि स्लिप यहां मिल रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आप गिरा सके, आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। मैं आपसे अपील करता हूं, मुझे एक जलसे में और जाना है, कि आप लोग तो मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि आप लोग मुझको 21 तारीख को पंजा निशान 1 नंबर बटन दबाकर वोट दो।